सीने पर्वत पर बुलाया। तो परमेश्वर ने जब मूसा को सीने पर्वत पर बुलाया, हम लोग एक एक करके देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने मूसा के साथ बातें की और कैसे परमेश्वर ने मूसा को चलाया, ताकि परमेश्वर इजरायली लोगों को वो रिलेशन दिखा सके जो रिलेशन परमेश्वर इजरायलियों के साथ करने जा रहा था। तो आज हम सबसे पहले वो मिलाप वाले तंबू के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जब हम मिलाप वाले तंबू के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे इस मिलाप वाले तंबू के द्वारा परमेश्वर हमें उसके वचन की अगुवाई कर रहे हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये मिलाप वाला तंबू है। इस मिलाप वाले तंबू को जब हम देखते हैं, ये तंबू परमेश्वर ने मूसा को बनाने के लिए कहा और मूसा ने ये सब चीजों का वर्णन एक एक करके परमेश्वर के दास जो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण रहते थे, उन्हें परमेश्वर ने सिखाया इस मिलाप वाले तंबू को कैसे बनाना है। तो आज सबसे पहले ये मिलाप वाला तंबू क्यों दिया गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप में से एक 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 करके, जैसे आज हमारे साथ जूम में भी लोग हैं, आज हमारे साथ फेसबुक लाइव में भी लोग हैं, तो सभी लोग परमेश्वर के वचन को एक एक करके आप लोग सुन रहे हैं। तो फेसबुक वाले लोग तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन जूम में जो भाई बहन हैं, आप लोग बाइबल को मेरे साथ में पढ़िए और परमेश्वर के वचन को एक एक करके आइए हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे परमेश्वर को देखते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला, ये निर्गमन उसका 24 अध्याय 12 वचन में जब हम देखते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रहे, मैं तुझे पत्थर की पाटियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम देखते हैं, परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ क्या बात कर रहे हैं, परमेश्वर इजरायलियों को क्या सिखाने के बारे में परमेश्वर मूसा को बुला रहे हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर को अगर देखेंगे, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू पहाड़ पे आ जा, पहाड़ में तुझे मैं अपनी लिखी हुई व्यवस्था की जो पाटियां हैं, पत्थर की पाटियां, ये आपको याद है क्या, ये पत्थर की पाटियां कौन सी है? ये पत्थर की पाटियां वो है जिसमें 10 आज्ञा लिखी हुई है। परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा उन पाटियों को लिखा हुआ है। तो देखिए, ये जो 10 आज्ञा की पाटियां हैं, ये पाटियां कब परमेश्वर ने मनुष्य को दिया आप जानते हैं क्या? यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले 2000 साल पहले, 1491 BC, मतलब अराउंड 1500 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले परमेश्वर ने इसराइलियों को क्या किया था? ये 10 आज्ञाएं दी थी। तो ये 10 आज्ञा लेने के लिए मूसा जब पर्वत पर गया, मोशे जब पर्वत पर ये 10 आज्ञाओं को लेने के लिए गया, तो क्यों उसको, यहाँ पे अगर आप 17 वचन में देखेंगे, तो इसराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। तो सबसे पहले हमने क्या बात जानने की जरूरत है आज? आज हमने सबसे पहले किस बात को जानने की जरूरत है? क्यों मूसा 40 रात और 40 दिन वो सीनै पर्वत पे, उस पहाड़ पर पर्वत पर रहा? पर्वत पर मूसा 40 दिन और 40 रात क्यों रहा? अगर यहाँ 12 वचन में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनको ये 10 आज्ञाओं की पाटियां लेने के लिए बुला रहे हैं। इन 10 आज्ञाओं को लेने के लिए जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखे थे, वो 10 आज्ञाओं की उन दो पाटियों को लेने के लिए, जैसे 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने यहां मूसा को क्या कहा? तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रहे, और मैं तुझे पत्थर की पाटियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा तुझे दूंगा कि तू उनको सिखाए। तो यहां पे परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाने से पहले क्या हुआ था, आप जानते हैं क्या? ये इसराइली लोग कहां थे? ये इसराइलियों का थोड़ा सा आपको इतिहास समझना होगा। ये मिलाप वाला तंबू समझने के लिए ये बात थोड़ा सा पहले समझने की जरूरत है। इसके लिए एक एक चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे,
बातें करेंगे, एक एक चीजों के बारे में बातें करेंगे, तब जाकर के हम लोग इस मिलाप वाले तंबू में प्रवेश कर पाएंगे। आपका मन अगर मिलाप वाले तंबू में प्रवेश कर दिया तो मिलाप वाला तंबू उसको क्यों कहा जाता है पता है आपको? उसको मिलाप वाला तंबू कहने के पीछे कारण है, मिलाप वाला तंबू मतलब जहां पापी इंसान और वो अति पवित्र परमेश्वर का क्या हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है। तो उस मेल मिलाप के जगह को जिसको मिलाप वाला तंबू कहा गया है, वो तंबू के अंदर बहुत सारे ऐसे रहस्य है जहां एक पापी मनुष्य पवित्र बनने के रहस्य है, एक पापी मनुष्य को धर्मी बनने के रहस्य है, और वो पापी मनुष्य क्या करता है, उस पवित्र परमेश्वर से एक हो जाता है। ऐसे रहस्य इस मिलाप वाले तंबू में है। वो मिलाप वाला तंबू ये किसको दिखाता है आपको पता है क्या? ये मिलाप वाला तंबू यीशु की छाया को दिखाता है। इसके लिए अगर आपने मिलाप वाले तंबू के बारे में अच्छे से सीख लिया तो मैं निश्चित हूं कि आपको यीशु पर विश्वास करना बहुत आसान हो जाएगा। और जूना नियम हमको बहुत हेल्प करता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। इसके लिए जब हम जूने नियम के ये मिलाप वाले तंबू का आत्मिक अर्थ को अगर जानेंगे तो उसके स्पिरिचुअल मीनिंग को हम जानेंगे तो हम लोग आसानी से यीशु पर विश्वास कर पाएंगे। इसका मतलब ऐसा है क्या, उसका मतलब ऐसा है क्या, ऐसे हम लोग सटीकता से यीशु पर विश्वास के मामले को हम लोग समझ सकेंगे। तो एक एक करके हम लोग ने ये बात को सोचने की जरूरत है। तो ये मिलाप वाला तंबू कहाँ दिया गया है? ये सीनै पर्वत पर दिया गया है। ये 10 आज्ञा भी कहाँ दी गई है? सीनै पर्वत पर ही दी गई है। तो 40 दिन और 40 रात मूसा कहाँ था? सीनै पर्वत पर ही था। तो ये सीनै पर्वत जो है बहुत ही मजेदार है, बहुत ही एक्साइटिंग है। तो ये सीनै पर्वत में से 10 आज्ञा भी लेके मोशे उतरता है और सीनै पर्वत पे से मोशे ये मिलाप वाला तंबू भी लेके उतरता है। लेकिन हाथ में 10 आज्ञा तो दिखाई देती है, हाथ में अगर आप देखोगे तो वो 10 आज्ञा दिखाई देगी। लेकिन अगर आप वहां पे हाथ में देखोगे तो मोशे के हाथ में 10 आज्ञा दिखाई देगी, लेकिन मिलाप वाला तंबू कहाँ है? तो 40 दिन और 40 रात जब मोशे सीनै पर्वत पे था, वो मिलाप वाला तंबू जो है मोशे के मन में है। तो आप लोग मोशे के मन में अगर देखेंगे तो वहां पे आपको मिलाप वाला तंबू दिखाया जाएगा। तो परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात मूसा को क्या किया था, ये मिलाप वाला तंबू के बारे में सिखाया था। तो ये मिलाप वाला तंबू कहाँ है पता है क्या आपको? इसको टबरनेकल इंग्लिश में कहा गया है, टबरनेकल, उसको मिलाप वाला तंबू कहा गया है। बाइबल में लिखा है जैसे ये मिलाप वाला तंबू स्वर्ग में है वैसा मिलाप वाला तंबू पृथ्वी में परमेश्वर ने बनाने के लिए मूसा को कहा है। तो ये 40 दिन और 40 रात मूसा क्या कर रहा था, वो उस स्वर्ग के तंबू को कंटिन्यू देख रहा था, सब चीजों को एक 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 करके परमेश्वर मोशे को समझा रहा था। याद रखना ये मिलाप वाले तंबू को सीखने के लिए मोशे को 40 दिन और 40 रात सीनै पर्वत पे रहना पड़ा था। मुझे पता नहीं आपको कितना दिन लग जाएगा जूम क्लास में, तो आप मत बोलना पास्टर एक ही दिन में हमको सिखा दो। हाँ हम लोग बहुत होशियार है, मूसा उस समय बहुत बूढ़े थे, 80 साल से ऊपर थे, बूढ़ा हो गए थे, इसके लिए मूसा को सीखने को इतना 40 दिन और 40 रात लगा। हम लोग के बारे में आप चिंता मत करो, आप हमको एक ही दिन में सिखा दो, सारा मिलाप वाला तंबू हम लोग एक ही दिन में सीख लेंगे, प्लीज ऐसा मत बोलना ओके। तो हालांकि मुझे भी पता नहीं मैं 40 दिन आपसे बात कर पाऊंगा या नहीं। 40 दिन रात लगा है मूसा को ये मिलाप वाले तंबू को सीखने के लिए। तो 10 आज्ञाओं का ये जो पार्टी मूसा के हाथ में दिखाई दे रहा है, वो मूसा के हाथ की पार्टियों को जो है ये पार्टी को लिखने के लिए 40 दिन और 40 रात नहीं लगे हैं, लेकिन ये मूसा को जो पार्टी दी गई है, वो जो पत्थर की पार्टियां दी गई है 10 आज्ञाओं की, यही सब कुछ नहीं है। 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने क्या किया है, मूसा को मिलाप वाले तंबू के बारे में सिखाया है। तो अभी आप थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है, थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो इजरायली लोगों को जब हम सटीकता से देखेंगे तो इजरायली लोग सीनै पर्वत पे आने से पहले कहाँ थे? ये लोग मिस्र देश में थे। मिस्र देश में जाने से पहले ये लोग कहाँ थे? कनान में थे। कनान में जाने से पहले कहाँ थे? उनके पूर्वज इजरायलियों का शुरू कहाँ से हुआ है पता है आपको? ऊर देश से हुआ है, ऊर देश। तो ये ऊर देश कहाँ दिखाई देता है आपको? उत्पत्ति के 12 अध्याय में आप इसकी बातें सुन सकते हैं। तो अगर आप उत्पत्ति के 12 अध्याय को अगर आप देखेंगे तो
उत्पत्ति के 12 अध्याय में आपको सटीकता से आपको अब्राहम नाम का एक व्यक्ति दिखाई देगा। तो इस अब्राहम नाम के व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने मानव जात को यीशु मसीह दिखाने का प्लान किया है। तो मानव जात को उद्धार का रास्ता बताने का प्लान किया है। तो परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा जगत के छोर तक एक सुसमाचार को पहुंचाने का एक प्लान बनाया हुआ है। तो ये प्लान को सटीकता से जानने की जरूरत है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को चुनकर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम आशीष के मूल हो जाओगे, मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, राष्ट्र के राजा तुम्हारे द्वारा क्या होंगे? जन्म लेंगे। तो उसके बाद जब हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम के बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसहाक है। इसहाक के द्वारा याकूब हुआ, याकूब के द्वारा 12 कुलपति हुए और 12 कुलपतियों के द्वारा क्या हुआ? उस समय में यूसुफ जिस समय में था, यूसुफ के समय में क्या हुआ? यूसुफ के समय में इसराइली लोग कहां जाने लगे? यूसुफ के समय में इसराइली लोग, हम देखते हैं कि इसराइली लोग यूसुफ के समय में कहां गए हैं? मिस्र देश में परदेशी बन के गए हैं। तो इसराइली लोग मिस्र में जाने से पहले परमेश्वर ने वहां किसको जाने लगाया? परमेश्वर ने पहले वहां पे यूसुफ को जाने लगाया। तो आपको याद होगा कि वहां पे 7 साल का भरपूरी और 7 साल का अकाल पड़ा था और उस समय में सारा संसार भूखों मर रहा था और उस समय में क्या हुआ था? इसराइल के सारे बच्चे भी को क्या कहां जाना पड़ा? मिस्र में जाना पड़ा। और इस तरीके से सारे इसराइली लोग कहां पहुंचे थे? मिस्र में पहुंचे थे। तो मिस्र में 40 साल की गुलामी के बाद, मिस्र में 40 साल की गुलामी के बाद इसराइली लोग जो है, परमेश्वर का दास मूसे आया उनको छुड़ाने के लिए। तो परमेश्वर का दास मूसे आ करके उनको छुड़ा के, उनको छुड़ा करके उसको कहां लेके गया? मिस्र से बाहर लेके गया। तो आप मिस्र में हुई बहुत बड़ी चमत्कार की बातों को तो आप जानते होंगे, कैसे मिस्र का राजा फिरौन मारा गया, कैसे मिस्र में परमेश्वर ने अलग अलग महामारियां भेजी, मिस्र में परमेश्वर ने अलग अलग चीजों के चिन्ह और चमत्कार दिखाए और परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को क्या किया? मिस्र से बाहर निकाला। तो जब वो लोग मिस्र से बाहर निकले, वो लाल समुद्र को पार करके वो लोग जंगल के रास्ते से कहां जा रहे थे? कनान की ओर जा रहे थे। उस समय में परमेश्वर ने जंगल में उनको क्या दिखाया है? ये मिलाप वाला तंबू दिखाया है। तो परमेश्वर इस मिलाप वाले तंबू के द्वारा क्या सिखाना चाहता था? परमेश्वर का और हमारा मेल मिलाप कैसे हो सकता है? हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके कैसे जी सकते हैं? हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी बहुत सारी रहस्यमय बातें इस मेल मिलाप वाले तंबू के अंदर है। तो ये मिलाप वाले तंबू के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। मिलाप वाले तंबू के अंदर जाने के बाद करोगे आप, अगर मिलाप वाला तंबू अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और अपना मन खुला करके परमेश्वर के वचन को सीखोगे तो ये मिलाप वाला तंबू आपके लिए क्या बन जाएगा? सच में आनंद का कारण बन जाएगा। और आपका और परमेश्वर का जो मेल मिलाप, अगर आपने से किसी का अभी तक परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हुआ है तो इस मिलाप वाले तंबू के द्वारा आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप अच्छी रीति से हो जाएगा। मैं निश्चित हूं इस बात में, जब आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाएगा, ये मिलाप वाले तंबू के द्वारा जब आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होगा तो आपको कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये जो मेल मिलाप, ये मिलाप वाला जो तंबू है, बहुत ही रहस्यमय टॉपिक है और बहुत ही सुंदर टॉपिक है। ये मिलाप वाला तंबू इतनी अच्छी रीति से एक्सप्लेन करता है स्पिरिचुअल लाइफ को, जितनी अच्छी रीति से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पुस्तक में हम इतनी अच्छी रीति से वो मिलाप वाले तंबू के द्वारा जितना हम अच्छी रीति से यीशु के बारे में सीख सकते हैं, उतना अच्छी रीति से जूना करार में कोई भी ऐसा शैडो नहीं होएगा जीसस का, जिसको सीख के हम यीशु की धार्मिकता, यीशु की पवित्रता, यीशु में जो सल्वेशन है वो सल्वेशन, यीशु में जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने का जो तरीका है, वो सब कुछ इस मिलाप वाले तंबू में सटीकता से परमेश्वर सिखा रहे हैं। तो आप सोचिए इसके बारे में। तो लेकिन वहां पे समस्या क्या थी? जब इसराइल लोग मिस्र से बाहर निकले, इसराइल लोगों का मन बहुत घमंडी था। तो वो लोग बहुत घमंडी थे और वो सच्ची में जीवन के रास्ते के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे और उनको अपने बारे में अच्छे से जानकारी नहीं थी कि वो लोग पाप में जन्मे हुए पाप के संतान हैं। उन लोगों को अपने बारे में मालूम नहीं था कि परमेश्वर हमें दया देने के लिए बुलाया है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये मिलाप वाले तंबू में क्या दिखाई देगा? परमेश्वर का दया आसन दिखाई देगा।
तो असलियत में परमेश्वर दया का धनी है। परमेश्वर इंसान से मेल मिलाप करना चाहता है। परमेश्वर इंसान से कैसे मेल मिलाप करना चाहता है? परमेश्वर इंसान से दया आसन में बैठ के मिलना चाहता है। परमेश्वर कहां बैठा हुआ हमको दिखाई देता है? ये मिलाप वाले तंबू में, पता है आपको, ये मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर हमको दया आसन में बैठा हुआ दिखाई देता है। तो दया आसन मतलब क्या है आप जानते हैं? ये दया आसन में बैठ के परमेश्वर हमें क्या देता है? दया देता है। तो ऐसी दया कहां दिखाई देती है आपको? आप देखिए बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दया देते हुए देखा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा लोगों को दया दिया है। तो परमेश्वर जब मूसा से बोलता है, मैं तुम लोग से कहां मिलूंगा? मैं तुम लोग से मिलाप वाले तंबू में, दया आसन है, उस दया आसन में मैं तुम लोग से मिलूंगा। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी इंसान परमेश्वर के आगे दया आसन में अगर परमेश्वर से नहीं मिला, कोई दूसरी जगह में जाके अगर वो परमेश्वर से मिला, तो बहुत खतरनाक है, वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान जो पाप में जन्मा है, इंसान जो बुराई में जन्मा है, इंसान जिसके अंदर अच्छाई नहीं है, ये इंसान अगर परमेश्वर के दया आसन के अलावा और कोई भी जगह में अगर परमेश्वर से मिलने गया, तो वो अति पवित्र जो परमेश्वर है, जिसकी आंखें ज्वालामय है, जिसको कोई मनुष्य ने कभी देखा नहीं है, वो परमेश्वर के सामने अगर दया आसन के सामने ना जा करके दया आसन के अलावा अगर परमेश्वर को मिलने के लिए कोई दूसरे रास्ते पे अगर चला गया, तो वो भस्म करके मार दिया जाएगा। तो बाइबल में निर्गमन की पुस्तक, लेवी की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक, उनमें देखोगे तो हारून याचक के बेटे भी परमेश्वर के सामने जला दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि हारून के बेटे ने इस बात को नहीं सीखा कि परमेश्वर के दया आसन के सामने हमने कैसे जाना है। ये पवित्र परमेश्वर है, ये अति पवित्र परमेश्वर है। इस अति पवित्र परमेश्वर के आगे जाने का एक तरीका है। उस तरीके के बिना अगर हम नहीं जाएंगे, तो अति पवित्र परमेश्वर हमें क्या कर देगा? भस्म कर देगा। ऐसी बातें हारून के बच्चे नहीं जानते थे। इसके लिए बाइबल में हारून के बच्चे परमेश्वर की सेवा करते हुए मरे हुए हैं। परमेश्वर के आगे से आग आकर के भस्म कर दिया है। वैसे आप उत्पत्ति के 4 अध्याय में भी देखते हैं कि कैन को कभी नहीं समझ में आया, ये परमेश्वर के सामने मैंने कैसे जाना है। इसके लिए कैन भी परमेश्वर के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए कैन भी जो है बहुत ही मुश्किल और बहुत ही दर्द का सामना करके अंत में अपने भाई का मर्डर करके बहुत ही दुख और दर्द का जीवन जी रहा है, क्योंकि कैन ने भी अपने बारे में नहीं जाना, मैं एक पाप में जन्मा हुआ इंसान हूं। मैं पाप में जन्मा हुआ इंसान को परमेश्वर का दया, परमेश्वर के अनुग्रह से ही मेरा उद्धार हो सकता है। परमेश्वर की दया और अनुग्रह से ही मैं परमेश्वर को मिल सकता हूं। अगर मैं परमेश्वर की दया और अनुग्रह को अगर नहीं मिला, तो मेरा जीवन नाश हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, परमेश्वर के द्वारा मैं बचाया नहीं जा सकता। ऐसी बातें कैन भी नहीं जानता था। तो इसराइली लोग भी ऐसे ही थे। इसराइल लोग अपने बारे में नहीं जानते थे। उनको नहीं मालूम परमेश्वर उनको दया देने के लिए बुलाया है, परमेश्वर उनको अनुग्रह देने के लिए बुलाया है। ऐसा नहीं कि इसराइल लोग पाप नहीं करते थे, इसराइल लोग झूठ नहीं बोलते थे, इसराइल लोग चोरी नहीं करते थे, इसराइल लोग गलत काम नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। इसराइल लोग भी सब मनुष्य की जैसे ही थे। वो भी पाप में जन्मे हुए थे, वो भी झूठे ही थे, वो भी झगड़ालू ही थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको चुना था। क्यों? क्योंकि उनके पिता अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए, और परमेश्वर उनको क्या देना चाहता था? कनान देश उनको देना चाहता था, जहां पे दूध और मधु की धाराएं बह रही थी। ये सब कुछ परमेश्वर कर रहा था किसके अंदर? अपनी दया के अंदर। लेकिन अब्राहम ने जैसे परमेश्वर से दया को प्राप्त किया, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया, और जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा करके जिंदगी जिया, ऐसे इजरायली लोग नहीं थे। अब्राहम की संतान ऐसी नहीं थी। इसके लिए अब्राहम के बच्चे इजरायली ये कैसे थे पता है आपको? ये लोग चैलेंज करते थे परमेश्वर को। हेलो परमेश्वर, आप हमको क्या समझते हो? आपको लगता है हमको सिर्फ दया चाहिए? आपको क्या लगता है हमको सिर्फ अनुग्रह चाहिए? आपको हमारे बारे में अच्छे से मालूम नहीं है परमेश्वर। आप बोलो, जो भी आपको बोलना है बोलो। आप जो बोलोगे वो हम लोग मानेंगे। जो आज्ञा देना है दो, जो आज्ञा आपको देना है वो आज्ञा दो, जो बोलना है वो बोलो, हम लोग मानेंगे, हम लोग पालन करेंगे। तो आप हमको आशीष दो, हमको ऐसा दया नहीं चाहिए, ऐसा हमको अनुग्रह नहीं चाहिए। अभी इसराइलियों के अंदर कौन सा मन है? इसराइली बच्चों के अंदर
ये आपको दस आज्ञा और ये मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाला तंबू, इसके बीच का रहस्य सटीकता से जानना होगा। ये दस आज्ञा क्यों आई, ये मिलाप वाला तंबू क्यों आया, उसका कारण है। ये दस आज्ञा ये मिलाप वाले तंबू के अलावा भी परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया था, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था। उस समय में परमेश्वर ने दस आज्ञा नहीं दी थी, उस समय में परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू भी नहीं दिया था, फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा, फिर भी अब्राहम को परमेश्वर ने धार्मिक बनाया, फिर भी अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके जिया और अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी है, ये अब्राहम बसकर तूने मेरी बात मानी है, तूने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, वो भी सब तू मेरे लिए दे रहा है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता है, तभी परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को देख के परमेश्वर संतुष्ट है। तो बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। बाइबल में अब्राहम ने जब परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम एक ऐसा आदमी बन गया जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। इसलिए जब परमेश्वर और अब्राहम का जिंदगी को जब हम देखते हैं, कैसे परमेश्वर अब्राहम की संतान को आशीष देना चाहता है, कैसे परमेश्वर अब्राहम के बच्चों को अनुग्रह देना चाहता है, तो जो अनुग्रह परमेश्वर ने अब्राहम को दिया वही अनुग्रह परमेश्वर किसको देना चाहता है, इन इजरायली बच्चों को जो अब्राहम की संतान थे। लेकिन यहां पे समस्या एक आ गई, वो समस्या क्या है, इजरायलियों का घमंड। तो इजरायली लोग बहुत घमंडी थे और वो लोग ने विश्वास क्या है ये नहीं जाना, उन्होंने अनुग्रह क्या है ये नहीं जाना, उन्होंने अपने बारे में जाना ही नहीं कि हम लोग पाप में पैदा हुए, पाप के पुलिंदे हैं, हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी बातें इजरायली बच्चों ने नहीं जानी। तो इसके लिए इजरायली बच्चों के मन में बहुत घमंड था। तो इजरायली बच्चे परमेश्वर को बोलने लगे, ओ परमेश्वर आप हमको नहीं जानते हो, आपको पता है हम लोग क्या है, आपको पता है हम लोग कितना, हम लोग सारी आज्ञा आपका पालन करेंगे। उनको मालूम नहीं था जो परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालांकि थोड़ी देर पहले उन्होंने परमेश्वर के काम देखे थे, कैसे मिस्र में परमेश्वर ने चमत्कार किया, कैसे परमेश्वर ने मिस्र के चमत्कार के बाद जब उनको बाहर निकाला, परमेश्वर ने कैसे लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और बीच में रास्ता बनाया, ये थोड़ी देर पहले वो देख के आए हैं। लेकिन थोड़ी आगे आने के बाद वो भूल चुके हैं, ये मनुष्य का बुद्धि है, ये मनुष्य का ब्रेन है। अगर आप मनुष्य के ब्रेन को देखोगे ना, हमारे आगे जैसे मच्छी का ब्रेन है वैसे ही परमेश्वर के आगे हमारा ब्रेन है। आप मच्छी के ब्रेन को जानते हैं क्या, मच्छी थोड़ी देर में भूल जाता है, मेरे ख्याल से 2-3 सेकंड में ही भूल जाता है वो। तो इसलिए मच्छी को मारने वाले लोग, वो जब मच्छी मारने वाले लोग जो है कांटा, कांटे में कुछ तो खाना डाल के मच्छी मारने को लेके जाते हैं और उसके बाद वो कांटे को ऐसा ऐसा घुमा देते हैं, वो खाना है घूमते रहता है। तो यहाँ 5 मछली रहती है उदाहरण के लिए, वो 5 मछली जो है उसको देखती है, तो उसमें से ये पंगू, इसका नाम पंगू रखते हैं, ठीक है, एक मच्छी का नाम पंगू रख देते हैं, तो उसका ये पंगू नाम का मच्छी जो है इसको देखता है, ये चंगू लंगू और उसके बाद ऐसे अलग अलग नाम की जो मच्छियां थी ये आपस में बातें कर रही है, ए पंगू हाँ तू मत खा अकेले हम लोग भी खाएंगे, तो बोल रहा नहीं 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 मैं खाऊंगा, तुम लोग से ज्यादा भूखा मैं हूं, मैं मोटा भी हूं थोड़ा, मुझे खाने दो। तो टक बोल के वो खा लेता है, खाने के बाद ऊपर से वो क्या करता है, मच्छी पकड़ने वाला इंसान इसको गायब कर देता, अभी एक मच्छी गायब हो गई, अभी यहाँ खाली 4 है। तो ये 4 लोग इनको पता भी नहीं चल रहा है क्या हो गया, पंगू गया कहाँ, तो पंगू नाम का हमारा कोई दोस्त था वो भी भूल गए वो लोग, वो अभी आपस चारों आपस में बस झगड़ा करते हुए बैठे हुए, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, एक 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 करके क्या होता है सब चले जाते। वो जो मच्छी पकड़ने वाला रहता है वो आराम से कुचा डाल के पकड़ते रहता है, ऐसे पंगू भी चला गया, चंगू भी चला गया, लंगू भी चला गया, सब चले गए, सब शाम को उसके पेट में जा रहे। क्यों बताए आपको, अगर उन लोग को थोड़ा भी अक्ल होता, उन लोग को थोड़ी भी बुद्धि होती, अरे थोड़ी देर पहले हमारे भैया चंगू इधर ही थे, वो कहाँ चले गए, हाँ उनकी दशा ऐसी क्यों हुई, वो ऐसे कैसे हमको छोड़ के चले गए, हाँ लगता है वो हुक के अंदर वो उधर कुछ तो है, वो हमारे भैया चंगू ऐसे उखाड़ लिए उठा लिए गए थे, हाँ वो कोई तो हमको मारने के लिए आ रहा है, ऐसा समझने का उन लोगों के पास शक्ति नहीं है। इसके लिए एक के बाद एक मछलियां पकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं और पकड़े जाते हैं। आप सोचिए, तो हम लोग भी मछली की जैसे ही हैं, हमारे पास भी कोई बुद्धि नहीं है,
हम सच में अपने बारे में अच्छे से नहीं जानते, हम सच में परमेश्वर के बारे में भी अच्छे से नहीं जानते हैं। तो अगर हम एक एक करके देखेंगे तो हमारी दशा भी परमेश्वर के आगे उन मछलियों के जैसी है, शैतान के आगे भी हम लोग उस मछलियों के जैसे है। शैतान कोई भी सोच का हुक हमारे अंदर डालता है और हमारे साथ खेलते रहता है, कोई भी सोच का हुक हमारे अंदर डालता है और हमारे साथ खेलते रहता है, और हम लोग को पता नहीं चलता है पिछली बार जब सोच का हुक आया था हमारे साथ क्या हुआ, इस बार जब सोच का हुक आया हमारे साथ क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं जानते। परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत कर्म किए वो भी भूल गए, कल परमेश्वर का काम देखा आज भूल गए। इंसान की दशा ऐसी है। तो इसराइलियों ने थोड़ी देर पहले देखा परमेश्वर ने लाल समुद्र को डुबा करके हमको बाहर निकाला है, उन्होंने देखा ना उस बात को ठीक रीति से, लेकिन वो लोग ने उस बात को देखने के बावजूद भी वो लोग नहीं जानते परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी बातें हम कैसे पालन कर सकेंगे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञाओं का हम लोग कैसे पालन कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भाग करके हमको बाहर निकाला है, वो परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर और अति शक्तिशाली परमेश्वर है। हमने मिस्र में देखा था कैसे आकाश से परमेश्वर गोले बरसा रहा था, हम लोग ने देखा है कैसे परमेश्वर आंधी और तूफान को भेज रहा था, कैसे नील नदी को खून खून हो गया था। ये सब चमत्कारिक चीजें क्या हो गए थे, इसराइल लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इसराइल लोग सब बात भूल गए। सारी बातें भूल के इसराइल लोग जंगल में जब लाल समुद्र पार होकर के जब जंगल में चलने लगे, उन लोग बहुत घमंडी हो गए। और वो लोग किस प्रकार के घमंडी हो गए, और वो लोग बोलने लगे परमेश्वर को, परमेश्वर आप जो बोलेंगे वो सब हम लोग करेंगे, हम करेंगे तब आप हमको देना आशीर्वाद। मतलब क्या है, हमको अनुग्रह नहीं चाहिए। मतलब क्या है, हमको आपका दया नहीं चाहिए। मतलब क्या है, हम लोग करेंगे तब आप हमको दया देना। तो ये जो है, ये हृदय किसके पास था, ये इसराइलियों के पास था। तो उस समय में परमेश्वर बहुत झुंझलाया है, बाइबल में पहली बार परमेश्वर झुंझलाया है इसराइलियों पर, इतना झुंझलाया है, झुंझलाया। अच्छा तुम लोग सोचते हो मेरा बच्चा मेरा नियम पालन करोगे, तुम लोग मेरी बात पालन कर सकते हो, मैं जैसा बोलता हूं वैसा सच में कर सकते हो, सच में तुम लोग करोगे, और तुम लोग सोचते हो मेरे नियम पालन करके तुम लोग को आशीर्वाद मिलेगा, तुमको मालूम है मैं कौन हूं। परमेश्वर के पास ऐसा हृदय था, लेकिन इसराइल लोग आराम से सोचते थे, हाँ परमेश्वर कौन सी बड़ी बात है आपकी आज्ञा पालन करना, आप में और हमें क्या फर्क है, आप में और हमें कोई फर्क नहीं है, हम आपकी आज्ञा इजीली पालन कर लेंगे, आप चिंता मत करो, ऐसा माइंड उन लोग के पास था। मतलब क्या है, वो लोग सोचते थे कि हम ऐसे ही आज्ञाओं का पालन कर लेंगे और हम लोग ऐसे ही आशीष प्राप्त कर लेंगे, हमें परमेश्वर की दया की जरूरत नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर ने हमको दया देने की दुनिया में बनाया है, परमेश्वर हमें सिर्फ दया देना चाहते हैं। और दूसरा शब्द अगर मैं आपको बोलूं तो हम लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दया पाके ही जी सकते हैं। तो उस समय में परमेश्वर ने जब इसराइलियों के हृदय को देखा, उस समय परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, ये लोग सोचते हैं ये लोग मेरा आज्ञा पालन करेंगे, ठीक है मैं उन लोग के लिए 10 आज्ञा लिखता हूं, टांग 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 टांग, परमेश्वर ने 10 आज्ञा लिख दी। अभी देखना ये 10 आज्ञा लेके मूसा जब बाहर नीचे आता है, अब देखिए ये 10 आज्ञाओं को लेकर के जब मूसा नीचे आता है, उस समय में इसराइल लोग क्या कर रहे थे, उस समय जानते हैं वो लोग ऑलरेडी उन आज्ञाओं को तोड़ रहे थे। ये 10 आज्ञा की पार्टी लेके, ये 10 आज्ञा की पार्टियां लेकर के जब मूसा नीचे आया सीनै पर्वत में से, उस समय में ऑलरेडी इसराइल लोग क्या कर चुके थे, वो 10 आज्ञाओं को तोड़ चुके थे, वो लोग ऑलरेडी पाप कर चुके थे, उसमें से एक नियम वो लोग तोड़ चुके थे। आप जानते होंगे कौन सा नियम वो लोग तोड़ रहे थे, नाच रहे थे वो लोग उस नियम को तोड़ के, वो नियम को तोड़ के ऐसे नाच रहे थे नीचे ऐसे, उन लोग को पता भी नहीं वो लोग नियम तोड़ चुके हैं। ऐसे ऐसा इंसान है सच्ची में। अगर ब्रदर सिस्टर अगर मैं आपको सही में बोलूं तो आप लोग भी परमेश्वर के नियमों को कितना तोड़ते हो, अगर ये बात अगर आपको पता चले ना, आपका मन सीधे जमीन में चला जाएगा, आपका मन सच में धूली में मिल जाएगा, आप इतने नम्र बन जाओगे परमेश्वर के आगे, आप परमेश्वर को बोलोगे परमेश्वर मुझे आपकी दया के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई नियम नहीं चाहिए, मुझे कोई कायदा नहीं चाहिए, ना तो मैं कोई नियम पालन कर सकता हूँ, ना तो मैं कोई कायदा पालन कर सकता हूँ, परमेश्वर सच में मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बस आपके अनुग्रह में बने रहने दीजिए, परमेश्वर मुझे आपकी दया दे दीजिए,
परमेश्वर सिर्फ आपकी दया के अंदर में जीना चाहता हूं। असलियत में परमेश्वर भी यही चाहता है, परमेश्वर भी चाहता है कि हम सिर्फ उसकी दया पाके जिएं। देखो परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने जब सब कुछ इंसान के लिए बनाया, क्या परमेश्वर ने सच में इंसान से कुछ आशा की? सच में परमेश्वर ने इंसान को बोला तुम्हें भी कुछ तो करने की जरूरत है तब मैं तुम्हारे लिए करूंगा? नहीं, परमेश्वर की दुनिया में ऐसी दुनिया ही नहीं है मैं कुछ परमेश्वर के लिए करूं फिर उसके बाद परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा, मैं परमेश्वर को कुछ दूं फिर परमेश्वर मुझे कुछ देगा, ऐसा आदान प्रदान का दुनिया परमेश्वर का नहीं है। इसलिए बाइबल में रोमियो की पुस्तक अगर हम देखते हैं तो रोमन्स रोमियो उसका 11 अध्याय 35 वचन में लिखा है 35 रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 35 या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। ऐसे लिखा है कि किसने परमेश्वर को कुछ दिया है? किसी ने भी परमेश्वर को कुछ भी नहीं दिया है, कोई नहीं जो परमेश्वर को कुछ देता हो। सब कुछ परमेश्वर ने हम इंसानों को दिया है, हमको सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, हमारे शरीर के सब अंग बनाने वाला परमेश्वर है, हम क्या परमेश्वर को देंगे? हम परमेश्वर के आगे क्या हैं? क्या मैं बोल सकता हूं मेरे अंगों में से कोई मेरा है, मैंने बनाया है? क्या मैं बोल सकता हूं मेरी आत्मा को मैंने खुद ने सृजा है? क्या मैं बोल सकता हूं इस पृथ्वी की कोई भी चीज मैंने सृजनहार की है? क्या मैं बोल सकता हूं मैंने एक मच्छर को बनाया है? हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते परमेश्वर के आगे, सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है। अगर मैं आज ये शरीर परमेश्वर की सेवा के लिए दिया हूं तो पहले मैंने जानना है ये शरीर मुझे किसने दिया है। आज मैं इस बात का घमंड कर सकता हूं मैं पास्टर हूं, मैं परमेश्वर की सेवा में मैंने अपना जीवन दिया है, मैं पास्टर हूं, मैं परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन दिया है, ऐसा बोल के मैं घमंड कर सकता हूं? मैं घमंड तो कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे बोलेगा बेटा वो तेरा शरीर तुझे किसने दिया है? क्या उत्तर दूंगा मैं परमेश्वर को? मैं परमेश्वर को ऐसा बोल सकता हूं परमेश्वर मैंने मेरा देह आपकी सेवा में समर्पण किया है, परमेश्वर मैंने अपना देह आपकी सेवा में लगा दिया है, परमेश्वर मैं तन मन और धन से आपकी सेवा करता हूं। अगर परमेश्वर मुझे पूछेंगे तन मन और धन किसने दिया है तो मैं क्या उत्तर दूंगा? आज मुझे ऐसा बहुत घमंड है कि मैंने तन परमेश्वर को दिया, मन परमेश्वर को दिया, धन परमेश्वर को दिया, ऐसा घमंड मैं कर सकता हूं? ये झूठा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे ये तन देने वाला कौन है, मुझे ये मन देने वाला कौन है और ये धन देने वाला कौन है, मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो है वो घमंडी बने बिना नहीं रह सकते। वो लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर देंगे ताकि परमेश्वर भी हमारे लिए कुछ करे, ऐसे वो लोग सोचते हैं। लेकिन जो इंसान सटीकता से परमेश्वर को मिलता है वो परमेश्वर को मिलके जानता है ये मेरा तन मेरा नहीं प्रभु का है, ये मेरा मन प्रभु का है, ये मेरा धन प्रभु का है। अगर मेरा तन मन धन अगर मैं प्रभु की सेवा में देता हूं तो मैं प्रभु का चीज प्रभु को देता हूं, मैं ऐसा नहीं कि प्रभु को कुछ देता हूं। इसलिए बाइबल में लिखा है किससे परमेश्वर को क्या मिलेगा? सब कुछ तो परमेश्वर से आया है, परमेश्वर किसके आगे हाथ फैलाएगा? परमेश्वर किसको बोलेगा मुझे कुछ दो बोल के? तो बहुत सारे लोग परमेश्वर की मन की दुनिया को अच्छे से नहीं जानते। तो ऐसे इजरायली लोगों की दशा थी, तो इजरायली लोग बहुत घमंडी थे, उनको पता नहीं था उनको परमेश्वर से दया पाके जीना है। ये मिलाप वाला तंबू क्यों बनाया गया पता है आपको? आपको दया आसन में लेके जाने के लिए। ये 10 आज्ञा क्यों दी परमेश्वर ने आपको पता है? ताकि आपको दया आसन में ले जाया जा सके। तो बाइबल में रोमियो के 11 अध्याय में ये बात को लिखा हुआ है। आइए रोमियो उसका 11 अध्याय देखेंगे, रोमन्स 11:32 में एक बार और देखेंगे। पहला हमने 35 देखा, अभी 32 देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 11:32 वहां पे क्या लिखा हुआ है? रोमियो उसके 11 अध्याय 32 वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वो सब पर दया करे। तो असलियत में परमेश्वर का मन क्या है? सबको दया देने का मन परमेश्वर का है, लेकिन इंसान के पास परमेश्वर का दया पाने का मन नहीं है।
इसके लिए परमेश्वर बहुत कुछ कर रहा है ताकि इंसान का वो दया नहीं पाने वाले मन को तोड़ा जा सके, इंसान का जो परमेश्वर से दया नहीं पाने वाला मन को नाश किया जा सके। वो जो दया नहीं पाने वाला मन जो है, उस मन को नाश करके इंसान को परमेश्वर के आगे ऐसा खड़ा किया जा सके कि इंसान परमेश्वर से दया प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है, परमेश्वर दया आसन में बैठा हुआ है, परमेश्वर सच में मनुष्य को दया देना चाहता है, परमेश्वर का हृदय दया से भरा हुआ है, परमेश्वर का मन प्रेम से भरा हुआ है, परमेश्वर का मन क्षमा से भरा हुआ है। लेकिन ये मन को बहने को जगह नहीं है। क्यों? इंसान का मन सबका घमंडी बन चुका है। तो घमंडी मन क्या बोलता है पता है आपको? परमेश्वर मैंने आपके लिए ये किया है, आप भी कुछ मेरे लिए करो। या तो परमेश्वर आप बोलो क्या करना है, मैं कर दूंगा, तब आप मुझे आशीष देना, ऐसा ही मुझे आशीष की जरूरत नहीं है। तो डीप डाउन इंसान के पास जो मन की दुनिया वो क्या है, ईश्वर की दया को तुच्छ करने वाला, अपने कर्मों का फल ढूंढता है इंसान का मन। इंसान हमेशा क्या ढूंढता है पता है आपको? आपने किए हुए कर्मों का फल ढूंढता है। मैंने तेरे लिए इतना अच्छा किया, तू मेरे को ये दिया क्या? मैंने तेरे लिए उतना अच्छा किया, तूने मेरे को ये किया क्या? तो इंसान का मन का दुनिया क्या है, इंसान अपने किए हुए कर्मों का फल ढूंढता है, इसीलिए वो अच्छे कर्म करना चाहता है ताकि उसको अच्छा फल मिले, लेकिन वो दया पाना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर क्या देना चाहता है इंसान को? दया देना चाहता है। तो इंसान क्यों दया नहीं पाना चाहता? ये परमेश्वर से अलग मन जानने की जरूरत है। ये अलग मन इंसान का नहीं, ये शैतान का है। तो शैतान ईश्वर की दया को नहीं चाहता है, इसलिए शैतान शैतान है। शैतान ने पाप किया बोल के शैतान शैतान बना, ऐसा नहीं है। शैतान कभी परमेश्वर के आगे दया पाने के लिए नहीं जाएगा, इसके लिए उसको नरक में जाना है। शैतान क्यों नरक में जा रहा है पता है आपको? कितना भी हजार साल उसको दे दो, वो अपना मन बेंड करने वाला नहीं है। वो कितना भी हजार साल उसको मौका दे दो, वो अपना मन नीचे करने वाला नहीं। वो नरक की अग्नि में तड़पने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर के आगे दया पाने के लिए अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। परमेश्वर से दया पाने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए वो शैतान है। तो इसराइली लोगों का मन उस शैतान से पकड़ा गया था। वो लोग नहीं जानते उसके पिता अब्राहम ने कैसे अनुग्रह पाया था। क्या अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था, इसके लिए अब्राहम ने अनुग्रह पाया था क्या? नहीं। क्या अब्राहम परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन कर रहा था, इसके लिए अब्राहम ने आशीर्वाद पाया था क्या? नहीं। अब्राहम ने परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन किया था, इसलिए अब्राहम परमेश्वर का दोस्त कहलाया था क्या? नहीं। अब्राहम ने क्या किया था? परमेश्वर पर विश्वास किया था। कौन से परमेश्वर पे? वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, वो दया देने के लिए बुलाने वाले परमेश्वर, ये बूढ़े हुए अब्राहम को भी बच्चा देने की चाहत रखने वाला परमेश्वर। अब्राहम के पास कोई काबिलियत नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, फिर भी उसको बच्चा देने की चाह रखने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर जो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है, वो परमेश्वर जो अपने बोले हुए को पूरा करता है, ऐसे परमेश्वर पे अब्राहम ने भरोसा किया। लेकिन ऐसे परमेश्वर के सामने अब्राहम के बच्चे कैसे खड़ा रहना चाहते थे? परमेश्वर को बोलो, क्या बोलना चाहता है परमेश्वर, बोलने दो, हम लोग करेंगे जो भी परमेश्वर बोलेगा, और हमको हम जो परमेश्वर बोलेगा वो हम करेंगे। उसके बाद हमको परमेश्वर को आशीर्वाद देने के लिए बोलो। हमको ऐसा ही आशीर्वाद नहीं चाहिए। क्या हम लोग क्या छोटे मोटे हैं कि हम दया चाहिए हमको? नहीं, हमको कोई दया वया नहीं चाहिए। ऐसा मन किसका था? इसराइलियों का था। तो आपके स्पिरिचुअल लाइफ का प्रॉब्लम क्या है, ये डिस्कवर कर पा रहे हैं क्या आप लोग? आम इंसानों का आत्मिक जीवन का समस्या क्या है? सेम इसराइलियों की तरह, हम परमेश्वर की दया नहीं पाना चाहते हैं, हमको परमेश्वर की दया नहीं चाहिए। क्यों? डीप डाउन हमारे मन में शैतान ने हमारे मन को पकड़ के रखा है ताकि हम परमेश्वर की दया के आगे ना जा सकें, ताकि हम परमेश्वर की दया को प्राप्त ना कर सकें। ऐसे शैतान ने धोखा दिया है। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे मन के हालात में परमेश्वर ने अब मोशे को बुलाया, मोशा तुम आओ, इधर ऊपर आओ जल्दी, ये लोग मेरे से नियम मांग रहे हैं, मेरा नियम पालन करेंगे बोल रहे हैं, मेरा नियम पालन करेंगे फिर इनको आशीर्वाद चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। ये लोग भूल गए अपने बारे में, ये लोग अपने बारे में नहीं जानते हैं, ये लोग व्यभिचारी हैं, ये लोग चोर हैं, ये लोग खूनी हैं, ये मुझे छोड़ के दूसरों को पूजने वाले लोग हैं, मुझे छोड़ के दूसरों को ईश्वर बोलने वाले लोग हैं, ऐसे घिनौने लोग हैं, ये लोग अपने बारे में नहीं जानते हैं, तुम इधर आओ मचे, मैं लिख के देता हूं सब कुछ। ऐसे मन से 10 आज्ञाएं आई है।
इंसानों में ऐसा कोई नहीं है जो इन 10 आज्ञाओं का पालन कर सके। 1491 साल मूसा ने जब से सीनै पर्वत से ये 10 आज्ञाओं को लेके आया था, ये 10 आज्ञाओं को लेके आने के बाद इंक्लूडिंग मूसा, ये दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने मूसा के लाए हुए 10 आज्ञाओं का पालन किया हो। तो ये जो 10 आज्ञा मूसा लेके आया था, उस समय परमेश्वर ने ऐसे मन से ये 10 आज्ञाओं को दिया था। वो मन कैसा था परमेश्वर का इन आज्ञाओं को देने के प्रति? आइए, ये तंबू में जाने से पहले ये व्यवस्था में यहां रुकना होगा, ओके? क्योंकि ये और तंबू साथ, मिलाप वाला तंबू और 10 आज्ञा साथ में आए हैं, इसके लिए दोनों का साथ में बहुत गहरा नाता है। इसके लिए मुझे आज आपको इन 10 आज्ञाओं को अच्छे से सिखाने दो। तो व्यवस्था विवरण देखिए, 28 अध्याय Deuteronomy chapter 28 आप सबको मिला क्या? व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, एक वचन से पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तू बाहर आते समय और धन्य हो तू भीतर जाते समय, धन्य हो तू बाहर आते समय। अगर आप यहाँ एक वचन से 5 वचन तक पढ़ेंगे, 5 ने 14 तक अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पे सिर्फ धन्य हो तू, धन्य हो तू, धन्य हो तू लिखा है। तू बाहर आएगा तो धन्य हो जाएगा, अंदर जाएगा तो तू धन्य हो जाएगा, नगर में तू धन्य हो जाएगा, खेत में तू धन्य हो जाएगा, तेरी संतान धन्य हो जाएगी, तेरी भूमि की उपज धन्य हो जाएंगे, भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे धन्य हो जाएंगे। वाह 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 वाह, इतना धन्य वचन है। लेकिन ये कब है? ये धन्य वचन लोग पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये धन्य वचन कब पूरा होता है लोग जानना नहीं चाहते। ये कब पूरा होता है पता है आपको? एक वचन को ध्यान से देखिए क्या लिखा है, एक वचन 28:1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं तुझको आज सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्या लिखा है? सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वो पालन करेगा। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने बाइबल में 613 नियम और आज्ञाएं हैं। ये बाइबल की 613 नियम और आज्ञाओं में उनको अगर हम लोग मिक्स करके छोटा करते हैं, इसको मेन मुख्य आज्ञाओं में लेके आते हैं, तो मुख्य आज्ञा 10 आज्ञा हैं। ये 10 आज्ञा 2 पार्ट में हैं। एक, परमेश्वर के प्रति तुमने क्या करना है, और दूसरा, तुमने मनुष्य के प्रति क्या करना है। इसके बारे में ये आज्ञाओं को दिया गया है। तो इन आज्ञाओं को, 10 आज्ञाओं को अगर आप देखोगे, तो वो 10 आज्ञाओं का कंडीशन क्या है? अगर ये 10 आज्ञा पूरी आप पालन करोगे तो सब आपको आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन अगर पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? उसको 15 वचन के आगे लिखा है, ओके? 14 तक आशीर्वाद लिखा है और 15 से लेकर के 68 तक, 68 वचन तक आप देख सकते हो श्राप के बारे में लिखा है। 14 से लेके 68 तक श्राप लिखा है, 1 से लेके 14 तक ही आशीर्वाद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये आज्ञा से पालन कोई करने वाला नहीं है और इन आज्ञाओं को पालन करके कोई आशीषित होने वाला नहीं है, इसके लिए श्राप डिटेल लिखे हैं। तो जब मैंने महाराष्ट्र में सेवकाई की, मैंने कई पास्टर लोगों को श्रापित जीवन देखते हुए जीते हुए देखा है, मैंने कई क्रिश्चियन लोगों को श्रापित जीवन जीते हुए देखा है, मैंने कई ऐसे पास्टर लोग जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में झोंक दिया, उनके जीवन को बहुत दयनीय रीति से मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। इसलिए मैं पास्टर नाम से भी बहुत डरता था, मैं ये क्रिश्चियन लाइफ से बहुत डर गया था। अंत अंत में जब मैंने 5 साल मेरा स्पिरिचुअल लाइफ जिया, 5 साल स्पिरिचुअल लाइफ जीने के बाद मैं ये व्यवस्था को बहुत अच्छी रीति से पढ़ता था। मैंने बाइबल बंद करके कभी भी क्रिश्चियन जिंदगी नहीं जिया, मैंने बाइबल खोल के क्रिश्चियन जिंदगी जिया, बाइबल को पढ़ते हुए मैंने क्रिश्चियन जिंदगी जिया, बाइबल को जानते हुए मैंने क्रिश्चियन जिंदगी जिया। इसके लिए मैंने बाइबल का हर एक पद को सटीकता से एक एक करके देखते हुए जब मैं जी रहा था, मुझे एक चीज समझ में आता था, रियली कुछ तो समस्या है मेरे जीवन में, मैं आशीषित नहीं हो सकता। मैं आशीष, जब भी कोई हमको पास्टर मिलते थे, वो खाली
ये व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से लेके 5 वचन तक पढ़ते थे। धन्य होगा तू बाहर आते समय, धन्य होगा तू अंदर जाते समय, धन्य होगी तेरी कठौती, धन्य होगी तेरे बच्चे, धन्य होंगे तेरे जानवर, ऐसी बातें करते थे। लेकिन ये धन्य कब होगा कोई नहीं बताया। लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ता था वहां पे दिखाई देता था, अगर तू सब बातों का पालन करेगा तो, सब कंडीशन है, सब बात पालन करेगा तो ये आशीर्वाद तेरे ऊपर आएंगे, अगर पालन नहीं किया तो क्या होगा। ये 15 वचन के आगे लिखा है। जब आपके पास समय होगा, अभी मैं खाली 4 वचन पढ़ूंगा, 15 से लेकर 19 तक पढ़ूंगा, लेकिन आज का होमवर्क आपका ये है, आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, व्यवस्था विवरण पूरा 28 अध्याय 1 से लेकर 68 वचन तक पढ़ना, ताकि आपको मिलाप वाला तंबू में प्रवेश करने को आ जाए। क्योंकि जब आप व्यवस्था को ठीक रीति से मिलोगे तब मिलाप वाले तंबू में जाओगे। अगर आप व्यवस्था को अच्छी रीति से नहीं मिलोगे, अगर इन 10 आज्ञाओं को अच्छी रीति से नहीं मिलोगे, 10 आज्ञा को अच्छी रीति से नहीं मिलोगे, तो आप मिलाप वाले तंबू में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसके लिए ये 10 आज्ञाओं को ध्यान से देखो, इन 10 आज्ञाओं को पालन करने से क्या होगा और पालन नहीं करने से क्या होगा। आइए 15 वचन के आगे, पालन नहीं करने से क्या होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। आइए 15 वचन, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाएं और विधियों को पालन करने की जो मैं आज आज्ञा तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। 20 वचन भी पढ़ेंगे, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भय दूर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए, और इस कारण कि यहोवा तुझको त्याग कर दुष्ट काम करेगा, इस कारण कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। यहाँ पे 20 वचन तक जब आप देखोगे तो पूरे श्राप की बातें, ये कुछ नहीं है। आगे अगर आप पढ़ोगे ना 28 अध्याय का, 28 अध्याय 15 से लेके 68 तक अगर आप पढ़ोगे तो आप सोचने के लिए विवश हो जाओगे। लोग बाइबल को पढ़ते नहीं, और पढ़ते तो भी बस ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हैं, इसके लिए वो लोग सोचने के लिए मजबूर नहीं होते हैं। लेकिन आप सच्ची में इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये श्राप की बातें बोल रहा है। वो सिर्फ आप श्रापित होंगे बोल के नहीं लिखा है, आपके बच्चे श्रापित होंगे बोल के लिखा है। आपके बच्चे श्रापित होंगे ऐसे नहीं है, आपकी खेती श्रापित होगी, आपका नौकरी श्रापित होगा, आपका बिजनेस श्रापित होगा। कब? जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तब। क्यों पता है आपको क्यों ऐसी आज्ञा दी गई परमेश्वर ने? ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमको ऐसा आज्ञा देना चाहता था, बिल्कुल नहीं। क्या परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ऐसा किया था? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों परमेश्वर को ऐसा आज्ञा देना पड़ा? क्योंकि इसराइल लोगों के पास परमेश्वर से दया पाने का मन नहीं था, इसराइलियों के पास परमेश्वर से अनुग्रह पाने का मन नहीं था, इसराइलियों के पास बहुत घमंडी मन था। इसके लिए इसराइल लोग खुद पर बहुत भरोसा करते थे। वो सोचते थे कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अति पवित्र परमेश्वर है, उसके अति पवित्र आज्ञाओं का ये पापी लोग पालन कर लेंगे, ऐसा भ्रम था उनको। इसके लिए वो लोग ने परमेश्वर को चैलेंज किया, परमेश्वर अब हमको आज्ञा दे दो, हम पालन करेंगे। तो जब मूसा ये 10 आज्ञाओं की पार्टी को लेके, जब पत्थर की पार्टियों को लेके जब ऊपर से नीचे आ रहा था, उस समय में ऑलरेडी वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग नियम को तोड़ रहे थे। उस दिन कई इजरायली लोग मर गए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि तब तक ये मिलाप वाला तंबू आया नहीं था। तो ये मिलाप वाला तंबू क्या करता है पता है आपको? बचाने का काम करता है। मिलाप वाला तंबू हमको कहां पहुंचाता है पता है आपको? दयासन में पहुंचाता है। मिलाप वाले तंबू के अंदर क्या क्या रहस्य छुपे पता है आपको? पाप की क्षमा का रहस्य छुपा हुआ है, पवित्र बनने का रहस्य छुपा है, श्राप से छूटने का रहस्य छुपा हुआ है। इसके लिए अगर आप मिलाप वाले तंबू को अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने किसके साथ में मिलाप वाला तंबू दिया है? मिलाप वाला तंबू परमेश्वर ने किसके साथ में दिया हुआ है? मिलाप वाला तंबू अगर वो देखेंगे तो अपने परमेश्वर ने किसके साथ में दिया हुआ है? मिलाप वाला तंबू परमेश्वर ने ये 10 आज्ञा के साथ साथ दिया है। तो आज हमने ये जानना जरूरी है, 10 आज्ञा और मिलाप वाला तंबू, ये दोनों भी साथ में इस पृथ्वी पे आया है। तो परमेश्वर ने जब 10 आज्ञा अपने हाथों से लिख के इंसान को दिया,
मोशे के हाथ में आपको 10 आज्ञा दिखाई देगा, लेकिन मोशे के दिल में ये क्या दिखाई देगा? ये मिलाप वाला तंबू दिखाई देगा। ये मिलाप वाला तंबू जो है ये मोशे के दिल में आपको दिखाई देगा। इसके लिए आज मिलाप वाला तंबू को पढ़ाई करने से पहले मिलाप वाला तंबू आया कैसे मैंने इसके बारे में बताया। मिलाप वाले तंबू को पढ़ने से पहले आज मैं आपको इसके बारे में बताया कि मिलाप वाले तंबू से पहले परमेश्वर ने क्या तैयार किया है, ये 10 आज्ञाओं को तैयार किया है। तो ये 10 आज्ञा क्या बोलती है? तुम पाप मत करो, ऐसा बोलती है। ये 10 आज्ञा क्या बोलती है? तुम परमेश्वर की सेवा करो, ऐसा बोलती है। 10 आज्ञा क्या बोलती है? तुम पाप करोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा, तुम आज्ञा तोड़ोगे तो श्राप मिलेगा, आज्ञा नहीं तोड़ोगे आज्ञा पालन करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। ये कौन बोलता है? ये 10 आज्ञाएं ऐसी बातें करती है। लेकिन ये मिलाप वाला तंबू क्या बोलता है? मिलाप वाला तंबू बोलता है पापों की क्षमा का रास्ता के बारे में बोलता है, यीशु के बारे में बोलता है, यीशु की धार्मिकता के बारे में बोलता है, यीशु के लहू के बारे में बोलता है, यीशु के लहू से कैसे पापों की क्षमा होती है उसके बारे में बोलता है। ये सब बातें ये किसमें है? इस मिलाप वाले तंबू में दिखाई गई है। तो हम लोग कल से ये मिलाप वाले तंबू को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो मिलाप वाले तंबू के हर एक चीज के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे आत्मिक अर्थों को सिखाता है। तो आइए फिर से निर्गमन में वापस जाएंगे। आज हमने जो पढ़ा था निर्गमन उसका 25 अध्याय, माफ कीजिए 24 अध्याय, आपको मिला क्या? तो यहां पे निर्गमन उसके 24 अध्याय में पंद्रह वचन में आप देखिए, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इसराइली की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की छोटी प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में से परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। तो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा के देने के समय में परमेश्वर ने मूसा को क्या किया है? 40 दिन और 40 रात सीनै पर्वत पर रखा है। तो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर सीनै पर्वत पर रह के किसके बारे में सिखा रहा था? इस तंबू के बारे में सिखा रहा था, इस मिलाप वाले तंबू के बारे में सिखा रहा था। जब 40 दिन और 40 रात मूसा जब इस मिलाप वाले तंबू को देखा, इस मिलाप वाले तंबू के बारे में पढ़ाई किया, इस मिलाप वाले तंबू के बारे में सब कुछ जब उसने परमेश्वर से सीखा, तो उसको क्या पता चला? पता है आपको? लोग परमेश्वर की दया प्राप्त करेंगे। पर लोग कैसे परमेश्वर की दया को प्राप्त करेंगे? जब लोग परमेश्वर के नियम को तोड़ेंगे, जब लोगों को उनका पाप का पहचान होगा, उस समय में लोग कहां जाएंगे? ये मिलाप वाले तंबू में जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं ये इसराइल लोग पाप करेंगे, परमेश्वर जानते हैं ये लोग मेरा नियम पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर जानते हैं ये लोग मेरा नियम तोड़ेंगे। इसके लिए परमेश्वर ने नियम तोड़ने के बाद क्या होता है? इंसान पापी बनता है। तो इंसान पापी बनने के बाद कहां जाना पड़ता है उसको? ये मिलाप वाले तंबू में जाना पड़ता है। जब ये मिलाप वाले तंबू में जाता है तो क्या होता है? पापों से मुक्ति का रास्ता मिलता है, पाप से मुक्ति का रास्ता मिलता है। तो जब ये मिलाप वाले तंबू में जाता है तो क्या हो जाता है? पाप धो दिए जाते हैं। जब ये मिलाप वाले तंबू में जाता है तो क्या होता है? इसके पाप की सजा दी जाती है। जब ये मिलाप वाले तंबू में जाते हैं तो क्या होता है? ये लोग धूल जाते हैं, धर्मी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। ये मिलाप वाला तंबू क्या है? ये यीशु का छाया है। ये मिलाप वाला तंबू यीशु का छाया है। आइए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय को एक बार देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6, वहां पे क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 10 and 11, वहां पे लिखा है, ना चोर ना लोभी ना पियकड़ ना गाली देने वाले ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी हुए। आप जरा सोचिए, हम कौन लोग है? हम लोग चोर लोग है, लोभी लोग है, हमने बहुत सारी बुराइयां की, हम ऐसे लोग है जिन्होंने पाप किया। तो अभी हमको क्या चाहिए था? अनुग्रह चाहिए था। लेकिन हम किसके आगे चले गए? हम 10 आज्ञा के आगे चले गए।
दस आज्ञा के आगे जा करके हमने अपने पाप के बारे में जाना, ये पाप हमको कहां लेके जाएगा उसके बारे में जाना, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। नियम हमको ये सिखाता है, तुमने झूठ बोला है तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगे, तुमने चोरी किया है तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो जब हमको पता चलता वो झूठ बोलने से मैं नरक में जाऊंगा, वाह पाप का न्याय ऐसा है, तो उस समय हमारा घमंडी मन क्या होगा, टूट जाएगा और हम लोग कहां जाएंगे, हे परमेश्वर हम पर दया करो। तो जब हम परमेश्वर के आगे दया पाने को जाएंगे तो परमेश्वर हमको क्या दिखाएंगे, ये मिलाप वाला तंबू दिखाएंगे। ये मिलाप वाला तंबू कौन है, ये यीशु का छाया है। तो मिलाप वाले तंबू में क्या होता है, ये 11 वचन में जो लिखा है वो होता है, 11 वचन देखिए, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी हुए। तो जब हम लोग उस मिलाप वाले तंबू में जाते हैं तो क्या पता चलता है, हाँ धोने का रास्ता उधर है, पवित्र होने का रास्ता उधर है, धर्मी होने का रास्ता उधर है। तो वैसे ही आज भी बहुत सारे लोग क्या करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर का 10 आज्ञा पालन करके धर्मी बनना चाहते हैं, लेकिन वो लोग घमंडी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, अभी तक उनका घमंड टूटा नहीं है। उन लोगों को मालूम नहीं कि वो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। क्यों, अगर आपको आज्ञा पालन करने का मन है तो याद रखो आपको पूरा आज्ञा पालन करना पड़ेगा। अगर आपने पूरा आज्ञा पालन किया तो आपको आशीष मिलेगा, अगर आपने एक भी आज्ञा को तोड़ा तो आपको श्राप मिलेगा। तो आपको जानना है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से लेकर के 14 तक और 15 से लेकर के 68 तक, तब आप व्यवस्था के अनुसार क्या होगा पता चल जाएगा आपको। आपको पता चलेगा व्यवस्था के अनुसार आप लोग क्या हो जाएंगे, श्रापित हो जाएंगे, नरक में जाएंगे और इस संसार में परमेश्वर से सच्ची में सच्चा खुशी और सच्चा शांति हमको नहीं मिलेगा। तब हमारा घमंडी मन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और हम परमेश्वर के आगे क्या बोल के खड़े रहेंगे, हे परमेश्वर आप अति पवित्र हैं, मैं आपके पवित्र आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता, आपके 10 आज्ञा पवित्र नियम है, उन पवित्र नियमों का मैं पालन नहीं कर सकता, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया करो, मैं दुष्ट इंसान पर दया करो, जो इंसान माँ के पेट से गर्भ में से पापी जन्मा है वो इंसान पर दया करो, वो इंसान जो परमेश्वर की एक भी आज्ञा पालन नहीं कर सकता उस इंसान पर दया करो, जिस इंसान पर श्राप आया हुआ है पाप आया हुआ है उस इंसान पर दया करो। तो तुरंत परमेश्वर आपको क्या दिखाएगा, मिलाप वाला तंबू दिखा देगा, परमेश्वर आपको यीशु दिखा देगा। यीशु कौन है, जिसने आपके पाप उठाए, आपके पाप अपने लहू से धो दिए और आपको क्या बनाया, उसने धर्मी बनाया, पवित्र बनाया। तो हम लोग धर्मी और पवित्र 10 आज्ञा पालन करके नहीं होते, हम धर्मी और पवित्र अच्छे कर्म करके नहीं होते, हम धर्मी और पवित्र उस यीशु पर विश्वास करके बनते हैं जो यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे पापों को धोया और जिसने मुझे धर्मी और पवित्र बनाया, उसी यीशु पर विश्वास करके हम लोग धर्मी और पवित्र बनते हैं। तो ये मिलाप वाला तंबू क्या है, ये मिलाप वाला तंबू यीशु मसीह का छाया है। तो अभी कल से ये मिलाप वाले तंबू के अंदर की बातें हम करेंगे, उसके हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे, इसके हर एक चीजों के द्वारा परमेश्वर हमको सिखाता है। तो कल से जब भी हमको समय मिलेगा वो समय में हम लोग मिलाप वाले तंबू के बारे में, शाम के समय में या सुबह के समय में, तो हम लोग मिलाप वाले तंबू का जब लेक्चर रखेंगे आप लोग अवश्य अटेंड कीजिए और परमेश्वर का वचन सुन के आशीष पाइए। इन दिनों में बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से डर रहे हैं, उनके मन में मौत का डर है, पैसों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, बहुत सारा चीज उनके मन में डर बन के आया है और वो लोग सच में उस डर से राहत पाना चाहते हैं, लोग उस डर से छूटना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन का डर कोई नहीं निकाल सकता सिवाय परमेश्वर का वचन। तो मैं निश्चित हूँ कि हमारे भाई बहन जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हमारे भाई बहन जिनके मन में परमेश्वर के वचन प्रवेश कर रहे हैं, जिनके मन में परमेश्वर के वचन जा रहे हैं, उनका मन परमेश्वर के वचन के द्वारा ताकत प्राप्त करेगा, शांति प्राप्त करेगा और खुशी प्राप्त करेगा। आमीन। तो आज हम इस मिलाप वाले तंबू तक पहुंचे होंगे, मैं आशा करता हूं आपका मन 10 आज्ञा से आज निकल गया होगा और मिलाप वाले तंबू में गया होगा। तो कल से हम मिलाप वाले तंबू में एक एक करके देखेंगे सभी चीजों को। तो मैं निश्चित हूँ मिलाप वाले तंबू के बातें सुन सुन के आपका मन कहां पहुंच जाएगा, परमेश्वर की दया को प्राप्त करने तक पहुंच जाएगा। मैं सच में चाहता हूं कि हम सब मिलके उस परमेश्वर की दया को प्राप्त करें, जो दया उसने हमारे
पूर्वज अब्राहम को दिया और जो दया उसने हमें देने के लिए बुलाया है मसीह यीशु में, वो हमें दया देना चाहता है। जिस यीशु के द्वारा उसने हमारे पाप धोए, जिस यीशु के द्वारा उसने हमको पवित्र किया, जिस यीशु के द्वारा उसने हमको क्या किया है, धर्मी बना दिया है। तो हमें हमारे पाप धोने नहीं है, हमने धर्मी नहीं बनना है, हमने पवित्र नहीं बनना है, हमने जानना है हम परमेश्वर के नियम और आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते, हम पहले ही डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं। ये बात सटीकता से जान के परमेश्वर के आगे जब आपका मन नम्र होगा, जब आप परमेश्वर के आगे अपने मन को नीचे रख देंगे, उसी समय में क्या हो जाएगा पता है आपको? आपके मन में एग्जैक्ट विश्वास आएगा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर के आपके पाप को खत्म किए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक लहू से आपके पाप को धो दिया है और आपको धर्मी और पवित्र बना दिया है, और आप परमेश्वर के साथ एक मन होके खुशी और शांति से परमेश्वर के साथ आप जीवन जी पाएंगे। मैं सच में चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर, आज हमने 10 आज्ञा कैसे इस पृथ्वी पे आई और कैसे ये मिलाप वाला तंबू इस पृथ्वी पे आया उसके बारे में हमने बात किया। परमेश्वर, सच में जो लोग सिर्फ मोशे के हाथ के 10 आज्ञाओं को देख सकते हैं वो लोग बहुत ही दर्द और पीड़ा में ही रह सकते हैं, लेकिन जो लोग मोशे के दिल में इस मिलाप वाले तंबू को मिल सकते हैं वो लोग के लिए दर्द और पीड़ा का कोई भी जीवन नहीं है, क्योंकि ये मिलाप वाले तंबू के अंदर पवित्र होने का जगह है, धर्मी होने का जगह है, और इस मिलाप वाले तंबू में हम लोग परमेश्वर की दया को मिलने का जगह है। परमेश्वर, सच में मैं हमारे सारे भाई बहनों से और जो आज वचन सुन रहे हैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप उनको अनुग्रह दो ताकि वो लोग 10 आज्ञाओं की दुनिया से निकल के परमेश्वर की दया की दुनिया में प्रवेश कर सके, ताकि परमेश्वर की दया के अंदर, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर कैसे परमेश्वर ने उनके पाप धो करके उनको धर्मी किया है, पवित्र किया है, और कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अनंत काल के लिए क्षमा दी है। ये सभी चीजें एक एक करके हमारे भाई बहनों के मनों में स्थापित कीजिए और सबको आपके वचन के द्वारा अनुग्रह पाने दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता प्रार्थना किया, आमेन। सबको धन्यवाद भाई बहन। हम लोग फिर से कल हम लोग मिलेंगे और मैं आशा करता हूं कि एक एक करके आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें, आमेन।